केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भाजपा कार्यालय में शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले और ब्लैक मनी से संबंधित जो रेड की गई है उसकी जानकारी दी। नोट भरने का कार्यक्रम जारी है और जैसा कि मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज आप रोज बताते हैं, तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये हुई है कि अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए, तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया, जिसका अमाउंट आपको पता नहीं खुशी होगी या दुख होगा, मैं तो कहूँगी गुस्सा आएगा, 300 करोड़ हो चुका है। 300 करोड़ ऑलरेडी पहुंच चुका है। आपके मेरे मेहनत की गाड़ी कमाई का पैसा किसी व्यक्ति के पास 300 करोड़ कैश के रूप में पड़ा हो तो खुशी तो नहीं होती और गुस्सा जरूर आता है, क्योंकि जितनी आप समझ रखते हैं उस समझ से आपको ये भी पता चलता है कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी भ्रष्टाचार कांग्रेसियों ने फैलाने का काम किया है। गांधी जी की फोटो छाप दी, नामकरण गांधी कर लिया, नोट अपने खाते में जमा कर लिए, और यही सिलसिला जो है वो सामने आया है। अभी जो कुछ चीज़ें पकड़ी गई खास तौर पे धीरज साहू के यहाँ से, और उन्होंने अपनी साहूकारिता का परिचय दिलाया कि कांग्रेस के साहूकार कैसे होते हैं। एक व्यक्ति के पास 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है, तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। और लगातार जो भांडाफोड़ हुआ है उसके मुताबिक आप देख लीजिए कि इन्होंने पहले 200 तक की हिसाब चल रही थी, लेकिन अभी ईडी, आईटी, सीबीआई इन लोगों के जो कार्यक्रम बने उसमें इसको बिल्कुल टॉप सीक्रेट रखा गया ताकि ये बात आखिरी मिनट तक उन अफसरों को भी ना पता चले। एक भारी संख्या में अफसरों को इकट्ठा करके ये रेड की गई, टॉप सीक्रेसी मेंटेन की गई, जिसकी वजह से ये काम जो है उसको अंजाम मिल पाया। और इस में जो इनके प्रमुख कार्यालय हैं जो कि 30 किलोमीटर दूर बलांगीर से था, वहाँ 200 करोड़ बरामद हुए। ये धीरज साहू जो हैं ये तीसरी बार के राज्यसभा के सांसद हैं कांग्रेस पार्टी से, दो बार पहले चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों बार हारे हैं। दो बार हारे हुए व्यक्ति को 3 बार लगातार राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और राहुल गांधी जी के काफ़ी नज़दीक हैं, और वो तो जाहिर होता है इस बात से कि सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और मल्लिकार्जुन खड़गे सब ने चुप्पी साधी हुई है, मुंह में सबके दही जमा हुआ है। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार को लगातार फैलाने का काम जेनरेशंस आफ्टर जेनरेशंस द ट्रेडिशन ऑफ करप्शन हैज बीन केप्ट अलाइव। भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार सामने आ रहा है और ब्लैक मनी को एकत्रित कर रखा गया था, ऐसे व्यक्ति को राज्यसभा सांसद बना दिया जाता है जो जनता द्वारा नकार दिए जाते हैं। राजेश खत्री, नई दिल्ली।